दोस्तों ये आप देख रहे हैं महिंद्रा 265 DI भूमिपुत्र ट्रैक्टर है। इसके ऊपर अभी रोटावेटर चलाने वाले हैं, KSD का रोटावेटर है, 7 फीट का रोटावेटर देखेंगे आप इसके पीछे चलाएंगे तो कैसा चलेगा और रोटावेटर कैसा चलेगा, साथ में इसका ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में जो किसान भाई चलाएंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे कि रोटावेटर उन्होंने कब खरीदा, क्यों ये खरीदा और कैसा इन्हें जो है एक्सपीरियंस लगा इसका, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो है आप देखिए चलता हुआ आपको दिखाते हैं। किसान भाई बैठ गए हैं ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है और अब आपको दिखाएंगे कि कैसा चल रहा है। बिल्कुल नया रोटावेटर है, आप देख सकते हैं ब्लेड भी बिल्कुल जो है न्यू है, इसके अंदर डबल डिस्क है, एक डिस्क इधर लगा हुआ है, उधर भी डिस्क लगा हुआ है। ऊपर आप देख रहे हैं ना धुआं दे रहा है ना कोई लोड है, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ चल रहा है ट्रैक्टर, आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। रोटावेटर भी आपको पीछे से भी निकाल देते हैं। KSD एग्रो इंडस्ट्रीज पूरी वालों का ये रूटर है। अभी दोस्तों आप देख रहे हैं रूटर काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा बैठ रहा है और ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के आपको लीवर डाउन फुल लीवर डाउन करके भी दिखवाएंगे। साथ में आपको जो ट्रैक्टर के RPM है वो बिल्कुल न्यूट्रल करके तब दिखाएंगे कि ट्रैक्टर RPM वगैरह तो नहीं तोड़ रहा, कैसा चल रहा है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप देखेंगे। और ये आप देखेंगे बिल्कुल वाहन भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, पीछे से आप देखेंगे ये जो खेत है ये बिल्कुल गन्ने का खेत है, मोटा जिसे बोलते हैं हमारी भाषा में वो खेत है। और आप रोटावेटर देख सकते हैं, वाहन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कर रहा है। RPM पूरे जो है 2100 कर दिए हैं और लीवर देखेंगे आप फुल डाउन है दोनों लीवर बिल्कुल। और अब आप देखेंगे ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस, RPM बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहा, देख सकते हैं 2000 RPM की है और बिल्कुल पूरी वही है, लीवर पूरे डाउन है और रोटावेटर आप देख सकते हैं पीछे। काफ़ी अच्छी गहराई लेकर चल रहा है रोटावेटर, फुल लीवर डाउन है। ट्रैक्टर के ऊपर भी आपको दिखा दूँ कोई लोड वगैरह नहीं है, कोई धुआं दे रहा है किसी भी प्रकार का। और RPM फिर से आपको दिखा देते हैं, RPM भी पूरे जो है 2100 करके सोचा था, 2100 ही है, लीवर फुल डाउन है दोनों। भाइयों ये आप लोग देख सकते हैं डबल फेरा लगा दिया है रोटावेटर, और ज़्यादा मिट्टी के अंदर इस टाइम बैठ गया है। जैसे कि बहुत से किसान भाई कहते हैं, कुछ तो किसान भाई कहते हैं कि सूखे में चलाइए तब पता चलेगा, कुछ भी किसान भाई कहते हैं कि जुते हुए खेत में दोबारा फेरा लगाइए, तो उस वजह से ये फेरा दोबारा यहाँ पर लगाया है। ये आप देख रहे हैं आगे मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर फेरा लगा दिया था तो दोबारा लगाया है और रोटावेटर काफ़ी ज़्यादा बैठ रहा है। ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री चल रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है रोटावेटर का। तो आपको रोटावेटर की जो है गहराई दिखा रहे हैं कि रोटावेटर कितना बैठ कर चल रहा है मिट्टी के अंदर, ये आप लोग देखेंगे ये लगभग इतना बैठ कर चल रहा है जैसे कि जो खेत है वो काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ है, मुड्डे का खेत है, सूखा हुआ खेत है तो उस वजह से थोड़ा सा इसके अंदर नमी कम है जिसकी वजह से कम बैठ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है रोटावेटर पूरा जो है मस्कर चल रहा है रोटावेटर, मैं आपको दिखा दूँ। अभी तक जो है रोटावेटर का आप परफॉर्मेंस देख रहे थे, अब जो है किसान भाई का आपके साथ परिचय करवा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। राम राम जी। भैया हमारा नाम आशिंदर है जी, गांव बुदाना है, जिला गाजियाबाद। तो आप ये बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए आपने ये रोटावेटर कब खरीदा? रोटावेटर करीबन 8 महीने करीबन हो लिए होंगे। 8 महीने के करीब। हाँ जी।
तो जैसे आपने 8 महीने पहले ये रूटर ख़रीदा, तो आपके मन में विचार कहाँ से आया कि हम KHD का रोटावेटर खरीदें? कहीं पर चलता हुआ देखा था या फिर कैसे विचार बना इस रोटावेटर का? ये चलता हुआ देखा था हमने, श्यामपुर में चलता हुआ देखा था ये KHD का चलता हुआ देखा था। इसे गए थे हम कुछ और रोटा देखने के लिए, ये हमने खेत में चलता हुआ देखा, इसकी जुताई उताई को देख के हमें समझ में आया, फिर इसकी दुकान पर पहुँचे। तो इनके नितिन जी हैं त्यागी किठौड़ में डिस्ट्रीब्यूटर जॉइन के, तो जब उनसे हमने संपर्क किया तब आपने ये रोटावेटर खरीदा। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे कि अपने ट्रैक्टर के बारे में भी एक बार बताइए, ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है आपका? ट्रैक्टर है जी 30 HP का ट्रैक्टर है। 30 HP का ट्रैक्टर, हाँ। तो लगभग आपको 8 महीने इसे यूज़ करते हुए हो गए, हाँ जी। तो जैसे 8 महीने से आप इसे चला रहे हैं, दोनों लीवर करके भी, लीवर डाउन करके भी हम रोटावेटर चला रहे थे, तो लगभग ट्रैक्टर क्या माइलेज दे रहा है इसके ऊपर? ट्रैक्टर का तो माइलेज दरअसल हमने सही मायने जांचा नहीं इसका कि कितना दे रहा, अपना तेल के अपना काम कर रहे हैं। फिर भी जैसे कि अगर हम एक अंदाज़ा लेकर चलें घंटे के अंदर या फिर बीघे के अंदर, तो लगभग क्या माइलेज मिलता है? पर 4 से कम होगा, 4-4.5 तो लेवल होगा ही घंटे के अंदर, हाँ घंटे अंदर इतना तो लेवल होगा। तो आप एक चीज़ बताइए कि रोटावेटर जैसे आपने ख़रीद लिया, तो अब आपका इस रोटावेटर के साथ मतलब कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है आपको रोटावेटर खरीद के? ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं कि हमने पैसे गलत जगह डाल दिए? नहीं ऐसा नहीं लगेगा, हम तो खुश हैं जब पैसे गिर के लाए हैं किसी चीज़ को तो हम तो खुश हैं चीज़ से, हमारा काम भी ठीक कर रहा अपना। जैसे कि किसान भाई होता है कि कोई नया सामान ले लिया, क्योंकि रोटावेटर वगैरह ये काफ़ी महंगी चीज़ें होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे तो हमने डाल दिए लेकिन हमें बाद में ऐसा लगता है जैसे कि हमने गलत चीज़ में पैसे डाल दिए, तो वो चीज़ तो नहीं है अपने साथ? नहीं नहीं ऐसा मन में कुछ भी नहीं है कि हमने कोई गलत जगह पैसे डाल दिए। दरअसल जो ये रूटर जो जिसका डिस्ट्रीब्यूटर है इसके पास, उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, उनने मतलब कोई भी इसमें दिक्कत हो तुरंत हाजिर होगा सेवा के लिए, और बाकी हमारा काम ठीक कर ही रहा है। यानी कि जो इसके डीलर साहब हैं वो सर्विस आपको काफ़ी अच्छी दे रहे हैं, आपके घर पर आपको सर्विस दे रहे हैं? हाँ सर्विस जब भी जरूरत होगी, जब भी तुरंत हमारे दो हाजिर होंगे जिस चीज़ की हमें जरूरत है उसकी। तो पूरे संतुष्ट हैं आप रोटावेटर से? हाँ संतुष्ट हैं बिल्कुल, और भाई भाई भी संतुष्ट हैं, ये हमारे भाई खड़े हैं। तो दोस्तों जैसे कि किसान भाई यहाँ भी खड़े हैं, तो जैसे कि आपने रोटावेटर चलता हुआ भी देखा, तो आपको कैसा लगा रोटावेटर का परफॉर्मेंस? रोटावेटर हमारा जो है बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है इसका। और फिर एक तो जो है देखो 30 HP ट्रैक्टर है हमारा, 265 30 HP ट्रैक्टर, 30 HP ट्रैक्टर 7 वोल्ट रोटर खींच रहा है जी, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा आपको रोटावेटर का। तो आपके हिसाब से एक चीज़ बताइए, जैसे कि कोई किसान भाई रोटावेटर लेने की या खरीदने की सोच रहा है, तो वो क्या इस रोटावेटर की तरफ जाए या किसी अदर कंपनी का रोटावेटर खरीदे? देखो जी जो यूज़ करेगा पता उसको चलेगा, हम यूज़ कर रहे हैं KHD वाला, तो हमें तो इसका पता है हमारा बैटरी बेहतर चल रहा है, इससे अच्छा हमें अब जो आदमी यूज़ करता है उसी चीज़ को देखता है फिर। जी जी जी, यानी कि आपके हिसाब से बेस्ट है रोटावेटर। जैसे रोटावेटर आपने बहुत सारे और भी देखे होंगे, अदर कंपनियां के भी चलते हुए देखे होंगे, तो उसके मुकाबले आप थोड़ा सा कंपेयर की बात करें तो उसके मुकाबले कैसा लगा आपको ये रोटावेटर? सब चीज़ देखते हैं आदमी, देखता है कि ट्रैक्टर हॉर्स पावर जी, वो 50 HP लोगे, 55 HP, 60 HP लोगे, जैसे लोगे वैसे वो खींचेगा, रोटर भी खींचेगा। अब हमारा 30 HP का ट्रैक्टर है और 7 फुट रोटर खींच रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है रोटावेटर का जी। तो थोड़ा सा आप भी रोटावेटर के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको रोटावेटर का परफॉर्मेंस? भाई बहुत बढ़िया है, तो अपना कम हॉर्स पावर में ज़्यादा काम कर रहा है जी, यानी कि ट्रैक्टर के ऊपर कोई लोड नहीं है, अच्छा चल रहा है रोटावेटर। हाँ जी भाई। तो अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहे तो क्या आप उसे रिकमेंड करेंगे कि वो इस कंपनी का रोटावेटर खरीदे? हाँ भाई बिल्कुल, अपना इस कंपनी KHD का लो, अपना एक बार ये भी यूज करके देखो, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ किस तरीके का पावर आ रही है उसमें जी, चला के दिखा रहे हैं और बाद में ये भी चला के दिखा रहे हैं कि हाँ किस प्रकार का ये परफॉर्मेंस दे रहा है, ट्रैक्टर पर भी किस तरह का लोड नहीं है। एक्चुअल चीज़ का तो जैसे कि खेत में ही पता चलता है, डीलर तो कुछ ही कुछ बताते हैं, तो जैसे कि हमने किसान भाइयों को चलाकर भी इसे दिखाया है कैसा चल रहा है, तो आप जो है एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हम अगर इसकी कीमत की बात करें तो किस प्राइस के अंदर आपने ये ख़रीदा है? देखो जी हमने लिया है 90,000 रुपये में, डबल डिस्क के साथ में है ये, और 90,000 रुपये हमने ख़रीदा है। 90,000 सब्सिडी वगैरह की अगर बात करें, जैसे कि आज के टाइम में किसान सब्सिडी की तरफ ज़्यादा देखते हैं, तो क्या आपको इसके ऊपर सब्सिडी मिली है? सब्सिडी के अंदर पास है ये रोटावेटर या नहीं? सब्सिडी से पास है ये, सब्सिडी हमको इस पर मिली है 42,000 रुपये, हम इसके वापसी मिले हैं खाते में जी। हाँ। यानी कि आपको अगर बात हम करें तो लगभग 50,000 के अराउंड ये रोटावेटर पड़ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 42,000 आप 90 से माइनस कर दो जी। हाँ इतने बिल्कुल बैठेंगे। तो प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि सब्सिडी भी पास है तो काफ़ी अच्छा लगा रोटावेटर। हाँ वो कुछ सब्सिडी की मेन चीज़ है, पहले तो मन में नहीं था सब्सिडी आओगी ना हो, बाकी अब उसकी कोई क्लियर हो चुकी है, सब्सिडी हमारी मिल चुकी है। हाँ सब्सिडी पास है, मतलब कम्प्लीटली पास है रोटावेटर सब्सिडी के अंदर जी। जो कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो दो देसी रोटर बनाते हैं उनकी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो मतलब कह के बेचते हैं कि सब्सिडी पास है, बाकी वे रजिस्टर्ड नहीं हो पाती कंपनी, तो उन पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती।
तो आपको इसके ऊपर पूरा जो है अनुदान मिला है सरकार की तरफ? नहीं, अनुदान मिल चुका, आप तो पूरे विश्वास तक कह रहे हैं इस चीज़ को, हमने तो मिल चुका अनुदान। हाँ दोस्तों, ये था इस रूटावेटर का कंप्लीट रिव्यू, साथ में किसान भाई से भी आपका परिचय करवाया। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, ये किसान भाई का परिचय था एक, जो आपको रोटावेटर का परफॉर्मेंस भी दिखाया, साथ में जो ट्रैक्टर आपने देखा वो महिंद्रा का 265 30 HP का ट्रैक्टर है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर का। तो आप एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपके हिसाब से अगर कोई किसान भाई खरीदने की रोटावेटर सोच रहा है तो वो क्या इस कंपनी का रोटावेटर खरीदे? देखो जी, हम तो एक बात कहेंगे, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जी, पहले चला कर देखो, पसंद आए तो आगे ले। तो जैसे कि आपने तो लगभग 8 महीने चला लिया, सारा इसका तजुर्बा हो गया होगा, क्वालिटी वाइज भी बात कर लें, परफॉर्मेंस वाइज भी बात कर लें, लोड के हिसाब से भी बात कर लें, तो आपको कैसा लगा, ये पर्सनली कैसा लगा आपको रोटावेटर? देखो जैसा मतलब लोड डालोगे, जैसा खेत होगा, मिट्टी का कुछ फर्क पड़ता है, जी। कोई डाकली मिट्टी है या कोई ज़्यादा आली मिट्टी है, वैसी ट्रैक्टर पर उतने हिसाब से लोड पड़ता है। जो खेत बिल्कुल गोल मिट्टी का है तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा चलता है। हाँ, गोल मिट्टी होनी चाहिए, ना तो मतलब गाढ़ी होनी चाहिए, ना बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, ये था जो है कंप्लीट रिव्यू, साथ में किसान भाई का भी आपके साथ परिचय करवाया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका, जो इन्होंने हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही किसी शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।